आज हमने सर्दी के सीजन के लिए मेथी नारियल और गुड़ के लड्डू बनाए हैं। सर्दी के सीजन में जोड़ों का दर्द, कमर दर्द होता है तो इसमें ये लड्डू बहुत ही फायदाकारक है। डिलीवरी के बाद न्यू मॉम को भी ये लड्डू खिला सकते हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले, वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो रेसिपी की शुरुआत करते हैं और बनाते हैं मेथी नारियल और गुड़ के लड्डू। 100 ग्राम मेथी ली है, इसे हम मिक्सर जार में डाल के इसका पाउडर बना लेते हैं। इसे क्रश करके इसका पाउडर कर लेते हैं। मेथी का पाउडर बना के रेडी कर दिया है और ये एकदम बारीक नहीं होगा, बारीक सूजी आती है ऐसा रहेगा ये। आधा कप फुल क्रीम दूध लिया है, ये 100 ml दूध है, इसे हम अंदर डाल देंगे। फुल क्रीम का मैंने दूध लिया है और अंदर मैंने 1 tablespoon मलाई डाल के मिक्स किया था और थोड़ा सा गर्म कर लिया था दूध को, और दूध को ठंडा करके अंदर डाला है। अच्छे से इस तरह से मिक्स कर देना है। मलाई अगर आपके पास नहीं है तो इसे स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इसे दूध से भिगो के रख सकते हैं। ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 घंटा भिगोने के लिए रख देते हैं। मेथी को भिगोए हुए 4 घंटा हो चुका है। मेथी को इस तरह से भिगोने से ये सॉफ्ट हो जाती है और दूध में भिगोने से इसकी कड़वाहट भी थोड़ी कम हो जाती है। कढ़ाई में 3 tablespoon घी डालेंगे। यहाँ पे हमें देसी घी का इस्तेमाल करना है। घी को थोड़ा गर्म कर लेते हैं। घी थोड़ा गर्म हो गया है, ये भिगोई हुई मेथी डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के मेथी को भूनेंगे। मेथी हमें भिगो के रखी थी तो इसमें इस तरह से लम्स हो जाते हैं। इस तरह से दबा के जितनी भी गुठलियाँ हैं वो इस तरह से तोड़ते जाना है। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के मेथी को 7 से 8 मिनट भून लिया है तो इसका थोड़ा कलर चेंज हो जाए और इसकी खुशबू आने लगे, तब तक हमें इसे भूनना है। इसे हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। यही कढ़ाई में 3 tablespoon घी डालेंगे। घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। 1 cup फुल भर के गेहूं का आटा लिया है, ये 150 ग्राम गेहूं का आटा है, इसे कढ़ाई में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के आटे को भूनेंगे। आटा लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब तक हमें इसे भूनना है। मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए 12 से 13 मिनट आटे को भूना है और आप देख सकते हैं इसका लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसे हमें इस तरह से लगातार चला के भूनना है तो आटा एक जैसा भुनेगा, नहीं तो ये कहीं से एकदम डार्क कलर हो जाएगा और कहीं से इसका लाइट कलर होगा, यानी थोड़ा कच्चा रह जाएगा और इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। हो गया है, गैस ऑफ कर देंगे और आटे को हम मेथी के अंदर ही डाल देंगे। कढ़ाई को मैंने टिश्यू पेपर से साफ कर दिया है। इसमें 4 tablespoon जितना घी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 5 tablespoon घी डाल दिया है। घी को थोड़ा अच्छा गर्म कर लेते हैं। आधा कप गोंद लिया है, ये 100 ग्राम गोंद है, इसे थोड़ा थोड़ा डाल के अंदर फ्राई कर लेते हैं। घी अभी गर्म नहीं हुआ है, घी को पहले अच्छा गर्म कर लेना है। आप देख सकते हैं इस तरह से ये फ्राई होगा तो एकदम फूल जाएगा, और अच्छे से इसे फ्राई करना है, अंदर से ये कच्चा नहीं रहना चाहिए। गोंद को हम एक अलग थाली में निकाल लेते हैं। हमने गोंद को फ्राई करने के लिए घी थोड़ा कम लिया था, इसके लिए ये पैन में इस तरह से घी फैल जाएगा तो अच्छे से फ्राई नहीं होता है। इसके लिए मैंने घी को एक साइड पे इस तरह से कर दिया है और थोड़ा थोड़ा डाल के गोंद को फ्राई किया है। ज़्यादा घी डाल के भी इसे फ्राई कर सकते हैं, लेकिन ये घी गोंद फ्राई हो जाने के बाद घी एकदम काला हो जाता है, और तेज आँच पे ही मैंने गोंद को फ्राई किया है। ये
इस तरह से एक साइड में हम घी कर लेंगे तो आसानी से फ्राई हो जाता है। गोंद को इसी तरह से मैंने फ्राई कर दिया है। कढ़ाई में एक टेबलस्पून घी डालेंगे। 3/4 कप बादाम ली है, ये 100 ग्राम बादाम है। लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के बादाम को 3 से 4 मिनट भून लिया है। इसे एक अलग बाउल में निकालेंगे, इसे ठंडा होने देंगे। कढ़ाई में घी है, इसे में हम 1.5 कप नारियल लिया है। सूखा नारियल का ब्राउन पार्ट जो है वो निकाल दिया है और बाद में इसे कद्दूकस किया है। इस तरह से मोटा कद्दूकस किया हुआ नारियल मार्केट में रेडीमेड भी मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। ये 100 ग्राम नारियल का बुरादा है। धीमी आंच पे लगातार चला के इसे भूनेंगे। नारियल को हमें 1.5 से 2 मिनट के लिए ही भूनना है, इसका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है। इसे एक अलग बाउल में निकाल लेते हैं। मिक्सर जार में 1 टेबलस्पून हरी इलायची छिलके के साथ ही डालनी है, 0.5 टेबलस्पून सफ़ेद गोल वाली मिर्च, जिस तरह से काली मिर्च आती है उसी तरह से ये सफ़ेद मिर्च आती है, ये 0.5 टेबलस्पून है। इसमें हम 3 टेबलस्पून बत्रीसु पाउडर डालेंगे, इसे काटला पाउडर भी कहते हैं। ये किराना की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। आपको अगर ये बत्रीसु पाउडर नहीं डालना है तो हमने सफ़ेद मिर्ची जो डाली है वो 1 टेबलस्पून आप डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून सौंठ पाउडर, आप बत्रीसु पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो सौंठ पाउडर जो है वो 2 टेबलस्पून डाल दीजिए। इसमें हम 1 टीस्पून चीनी डाल देंगे तो इलायची और सफ़ेद मिर्ची जो हमने डाली है वो अच्छे से पीस जाएगी। इसे हम पीस के बारीक पाउडर बना लेते हैं। पाउडर मैंने एकदम बारीक पीस लिया और इसे छन्नी में डाल के इसे छान लिया है, क्योंकि हमने साबुत इलायची डाली थी तो इसका इस तरह से रेसा रह जाता है, इसके लिए मैंने इसे छान लिया है। यह हम निकाल देंगे। यही जार में हम नारियल को भी थोड़ा थोड़ा पीस लेते हैं, रफली क्रश कर लेते हैं। आपको अगर इस तरह से साबुत डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। नारियल को मैंने रफली क्रश किया है। गोंद को थोड़ा थोड़ा क्रश कर लेते हैं। मेरे पास ये भाकरी बनाने का डट्टा है, इसी से मैं इस तरह से दबा के थोड़ा क्रश करूंगी। आप इसे वाटी से भी कर सकते हैं या फिर बेलन से बेल के भी कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा रफली क्रश कर लेते हैं। गोंद को मैंने एकदम रफली क्रश किया है। मेथी और गेहूं का आटा हमने भून के बाउल में निकाला था, इसमें ये गोंद डाल देंगे। ये मसाला पाउडर जो हमने पीसा था ये भी डाल देंगे। नारियल डाल देंगे। बादाम ठंडी हो गई है तो हम यही मिक्सर जार में डाल के इसे रफली क्रश कर लेते हैं। पल्स बटन दबा के बादाम को एकदम रफली क्रश किया है, आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा बड़ा पीस भी अंदर है, इसी में डाल देंगे। चार सौ ग्राम गुड़ लिया है, इसे कढ़ाई में डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे लगातार चला के गुड़ को मेल्ट कर लेते हैं। गुड़ आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। गुड़ मेल्ट हो रहा है तब तक हम इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, इस तरह से इसमें कोई भी गुड़ का बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए, अच्छे से दबा के इसे मेल्ट कर लेना है। और गुड़ को हमें ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ मेल्ट करना है। गैस ऑफ कर देंगे। लड्डू में डालने के लिए 2 टेबलस्पून घी लिया है। घी को हमें एकदम गर्म कर लेना है, धीमी आंच पे इसे गर्म कर लेते हैं। तब तक हम गुड़ को अंदर लड्डू के मिश्रण में डाल देंगे। गुड़ अंदर डाल देंगे। गुड़ एकदम गर्म है तो ये हाथ से मिक्स नहीं होगा, इसे स्पैचुला से ही मिक्स करें। घी को एकदम गर्म किया है, ये घी गर्म घी अंदर डाल देंगे।
अच्छे से मिक्स कर देंगे। आपको अगर गर्म लगता है तो स्पैचुला से मिक्स करें घी को, क्योंकि ये बहुत गर्म है। इसे हमें ठंडा नहीं होने देना है, ये गर्म है तभी हमें इसका लड्डू बांध लेना है। ठंडा हो जाएगा तो लड्डू बनेगा नहीं, और लड्डू हम थोड़ा छोटी साइज का ही बनाएंगे इस तरह से। लड्डू बना के रेडी कर लिए हैं। इसे एयर टाइट कंटेनर में भर के 2 महीना तक स्टोर कर सकते हैं। मेथी, नारियल और गुड़ के लड्डू रेडी है। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बना है, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लग रहा है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें। रेसिपी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ।